तो जी अभी धनिया भी आ चुकी है और प्याज काटी है, मसाले हम बना रहे हैं। जब तक जो है ना साजिद भाई बेचारे में गए हुए कुछ सामान लेने के लिए, चावल वगैरह लेने के लिए। मुझे भी नहीं पता कौन उधर भाई आ रहे हैं। तो जी वो सिर्फ इनके दोस्त नहीं, हमारे सगे भाइयों से भी बढ़कर है हमारे, क्योंकि जिंदगी में हर मुश्किल वक्त में हर टाइम में वो हमारे साथ होते हैं। तो इस वजह से जी उनके लिए खास इंतजाम हो रहा है। कौन सा पुलाव बन रहा है? बिरयानी बन रही है। बिरयानी बन रही है, पुलाव ही बनाते हैं ऐसी समझ में, बस वही बिरयानी पुलाव। तो जी जो अच्छे लोग होते हैं ना वो सबसे करीब होते हैं और उन्हीं को ही बड़ा सगा कह सकता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो वीडियो वगैरह में तो वो आते नहीं है, तो बस बिरयानी वगैरह आपको दिखा देंगे। चल के आपको दिखाते हैं जो नई चीज आई है। तो जी जनाब आ चुकी है नई चीज। एक पहले हमने डॉगी लिया था, उस बेचारे को हमने पाल पाल के वो बीमार हो गया था, इस वजह से मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा डॉगी नहीं लेना, ये देखा अच्छी ले आया। ये ठीक है, ये ठीक है, ये डॉगी ठीक है। देखो ये अभी नहाया नहीं है, कल इसको नहलाएंगे। इसकी बच्चों की तरह देखभाल करना। हाँ ये बूझों वाला है। देखो देखो कैसे नूर फातिमा खुश हो रही है। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ नूर फातिमा ले आओ। ये जो है ना उधर पता है एक और डॉगी पाल रहे थे, अभी हमसाई आई, वो कहती थी किसने उसको जहर दे के मार दिया, तो फिर देखे कितना गुनाह होता है, फिर मारना तो नहीं। नहीं नहीं मारते नहीं है। ले आओ इधर ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। जंजीर आज भी है? नहीं ये जंजीर आज नया लिया, इसको कल नहलाएंगे। भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, पकड़ो इसको पकड़ो, ले आओ इधर ले आओ इधर ले आओ। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये बंदा पड़ा रहेगा। ले आओ इधर ले आओ इधर ले आओ। कल जब ये डेकोरेट घुंगरू है, कल ये जब डेकोरेट होगा ना तो फिर देखना। अभी फिलहाल ना ना ये चीज नहीं लगाते, मेहंदी पाक होती है। गलत बात नहीं करो। बस ये हमारा ख्याल रखेगा। इधर बाहर ना बाहर नहीं, घर में हम नहीं पा रहे, हम इसको बाहर बांधेंगे। देखो कैसे खुश हो रही है, देखो कैसे खुश हो रही है। खेचो नहीं, नूर फातिमा कितनी खुश हो रही है। देखो आपको ही अच्छा नहीं लगता? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जिसका जिस चीज का शौक लग जाए ना, नहीं नहीं बस काफी दिनों से इसका इंतजार था। ये ना मेरी फसलों को जो नुकसान हो रहा है ना, इस वजह से मैं ये लेके आया हूँ। ठीक है ना, कुछ नहीं कुछ, ये बड़ा उस्ताद होगा, ये खेचेगा। हंसती है, देखो कितनी खुश हो रही है। चलो जी बांध के आओ इसको, उधर बांध के आओ, चलो ले जाओ हाँ बाधा वन वन बाधा वन, उधर नहीं ले जाओ, मम्मी के पास नहीं ले जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, चलो 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 चलो। आटा में भूल रही हूँ सिर्फ 4 रुपयों का, जो कि अम्मी और अब्बू चावल नहीं खाते हैं। वो देखो चावल हमने भिगो के रख दिए हैं और गोश्त आ चुका है। मैं नहीं दिखाऊंगा, इधर सारे बच्चे हैं आज। तो आप किसने कहा है कि आप बच्चों को दिखाएं? आप मसाला दिखाएं, चावल मसाला दिखाता हूँ। अब रिहाना बना लो तो ले साजिद भैया, वैसे आज लेट कर दिया है, आज काफी लेट खाना बन रहा है, 3 रोटियों का खाना बन रहा है और रोले डाले हुए हैं सारे किचन में। तो अम्मी जान सुताना रिहाना रुखसाना तीनों आ जाइए हैं, तीनों सिस्टर्स भी यहीं पे है आज, तो चावल बनाएंगे, मेहमान भी आएंगे, बस चिल मूड लगा रहे हैं। और क्या संडे मना रहे हैं, संडे रूटीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल भिगो के रख दिए। देखो जी क्या है, खाली तो है। अब ये सर्विस चावल भिगोए ना, तो अभी टाइम थोड़ा था, आपको पता लेट लेकर आए, थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो सही बनेंगे ना, इस वजह से मसाले सारे तैयार है, बस अभी थोड़ी देर में बनाना शुरू करते हैं। अच्छा यानी कि देखो अंधेरा हो गया अभी। हाँ इधर से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, रात भी बारिश हो गई थी।
रात बारिश हुई है वो तंदूरी मेरी आपने तोड़ दी है। अच्छा चलो कल सेट कर लेंगे। रात में रोटी खा रही थी जब आप तो जिले चले गए थे जी। अंधेरी और बारिश शुरू हुई तो लाइट चली गई, मेरे सारे बर्तन इधर पड़े थे, मैं सारी खुद भी भीग गई। अच्छा सारे बर्तन भी खराब। चलो खैर रात तो खैर थोड़ी बारिश आई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बचत हो गई है, अभी भी बादल आए हुए। ये कोई सिस्टम नहीं होगा, देखें चार पाई सही है, जबरदस्त है ये। आपको पता है मैं साफा रखता हूँ, इसको हम बोलते हैं साफा सराकी में, ठीक है। ये फलस्तीनी लगती है, फलस्तीनी नहीं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लग रहा है इसमें, मुझे अच्छे लगते हैं तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। इसमें बिल्कुल फलस्तीनी लगती हो, ऐसी पहननी चाहिए, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे शौक है, शुरू से शौक है। अच्छा ये वैसे है भी कवर, छोटा नहीं लिया मैंने। और नमाज वगैरह जब बंदा पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है ना, या नमाज जनाजा होता है तो अगर ये अवेलेबल हो ना, अक्सर मैं ये डालता हूँ अपने मतलब कंधे पे या सर पे भी बांध लेता हूँ, तो ये बड़ा फायदेमंद चीज है। आज मैंने ये वाली दराज उठाई है सुबह सुबह। अच्छा इतनी चूहा, इतना चूहा था, चूहा ने सब कुछ खराब किया हुआ था। अच्छा तो इसको आगे करके फिर मैंने सफाई करके फिर इसको। आज आपका तो फिर कोई काम नहीं है, आपके तो फिर मजे हैं, एंजॉय करो है। दो तीन रोटियां बनानी है, वो बाद में बनाएंगे। अच्छा जब तक रिहाना मेरे ख्याल में खाना बना लेगी, है ना। हाँ वो चावल बना ले, फिर आटा गूंदा हुआ है, तीन चार रोटी। तो आज कोई भी मजे का व्लॉग नहीं बन सका, उसकी भी वजह साबरा है। मैं हाँ सुबह हालांकि व्लॉग शुरू करती है ये, तो जनाब ने व्लॉग नहीं बनाया, तो इस वक्त व्लॉग आपको पता है। फिर जब बहनें आ जाती हैं, अब्बू बाहर बैठे हैं, बहनोई बाहर बैठे हैं, खुद खाना बनाते वो उनमें से कोई वीडियो में आता नहीं है, तो हमारे लिए वहाँ पे वीडियो। कल अब्बू के ऑपरेशन के लिए जाना है। हाँ कल चेकअप करवाने जाएंगे, तो ऑपरेशन का नाम कहेंगे तो ऑपरेशन करवाएंगे ना। वही पे क्या थी पिछली बार उन्होंने कहा था कि चेकअप करवाने, उन्होंने ये बोला था डॉक्टर ने कि आप जाएंगे आएंगे ना इधर दोबारा, अगर कंडीशन हुई ऑपरेट की तो हम ऑपरेट कर देंगे, ये पहुंच के पता चलेगा कि ऑपरेट करते हैं या नहीं करते। माशाल्लाह अब्बू की तबीयत काफी बेहतर है, अल्लाह करेगा। मैं तो कहता हूँ कल ही हो जाए ऑपरेट, उसकी वजह ये बताता हूँ कि आगे से सर्दी आ रही है तो बड़ा मसला होगा, फिर आपकी कंडीशन भी ऐसी है, तो बाबा का होगा तो फिर आपका भी हो सकता है हो, तो मैं तो फिर उत्थे ही हॉस्पिटल दे विच ही बावांगा। अल्लाह खैर करेगा, बस अल्लाह सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आपने जाना है कहीं? नहीं मैंने तो नहीं जाना, वो दोस्त आ रहा है उसकी इंतजार करता हूँ, ये चावल बनेंगे पूरे डेढ़ घंटे बाद, फिर उनको सर्व करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद देखूंगा अगर टाइम मिला तो चले जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। ओके फिर वीडियो को खत्म कर दो। चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखने, दुआओं में याद रखने, और इंशाल्लाह कल अच्छा से व्लॉग बनाएंगे। आज वाली मजबूरी है, माजरत के माजरत। हाँ। बस वो खाना पूरी की है वो इस वजह से, सुबह के टाइम में मौसम भी अच्छा होता है, बना वीडियो अच्छी बना लेता है जी। तो आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, रात फिर बारिश आ गई थी, सारा हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, तो इस वजह से नहीं बना सकी, तो इंशाल्लाह कल। ये बात तो खैर आप पहले भी शुरू की वीडियो में बता चुकी हो, वीडियो के शुरू में वही बात आप रिपीट फिर कर रही हो जनाब। कौन सी? यही के पहले रोला बना हुआ था, बारिश बनी हुई थी, फिर वह दोबारा तो बता रहा है। दिमाग की कमजोरी इसको बोलते हैं, इसको दिमाग की कमजोरी बोलते हैं बेगम, जो भी समझो।
चले जी, गपशप होती रहे। हाँ जी, चले जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा चाहते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।